स्वागत है आपका अपने चैनल एक लव्य स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचिन और आज की जो इस वीडियो का टॉपिक है जैसा कि आप पढ़ सकते हैं कि मैंने अपने टाइम पे जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैंने हिस्ट्री में हंड्रेड मार्क्स कैसे लिए तो ये पूरी आज की वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी और हो सकता है ये एक वीडियो आपके भी हंड्रेड मार्क्स लाने में मदद कर दें तो अगर आपके पास टाइम नहीं है आप इस वीडियो को अभी छोड़ के जा सकते हैं अगर आप वीडियो को देखने जा रहे हैं तो आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको जो आप तैयारी कर रहे हैं वो हंड्रेड मार्क्स तक पूरी तैयारी अच्छे से हो जाए तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको बता दूं आपका कोई भी डाउट हो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मेरा यूज़र नेम आपके सामने है तो आइए स्टार्ट करते हैं तो आज की ये जो वीडियो होगी इसमें मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने स्कूल लाइफ में कैसे तैयारी की थी क्या क्या वो मतलब लेवल थे जिनको मैं पार करते 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 और लास्ट में मुझे ये हंड्रेड मार्क्स की ये जो अचीवमेंट थी ये मुझे मिली तो इसमें सारी चीज़ें होंगी मेरी लाइफ की क्या स्ट्रगल्स थे और क्या क्या मैंने फेस किया और किस तरीके से तैयारी की और क्या मैं प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या तरीके आज़माता था तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले आपको बता दूं अपने बारे में कि मेरा नाम जो है वो सचिन है और मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ तो मैंने कोई प्राइवेट स्कूल से कभी शिक्षा नहीं ली मैं एक गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा से और मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था मतलब जो मेरी टेंथ क्लास थी उसमें मेरे ओनली फिफ्टी एट परसेंट थे कोई मैं शुरू से मतलब टॉपर नहीं था कि मेरे शुरू से बहुत अच्छे नंबर आते हूँ मेरे टेंथ क्लास में जो टेंथ का बोर्ड होता है उसमें फिफ्टी एट परसेंट जो थी मेरी परसेंटेज थी और मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ ठीक है कई लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कई स्टूडेंट्स ही ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि हिंदी मीडियम से हैं और हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे पर मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होते हुए भी मैंने हिस्ट्री में हंड्रेड मार्क्स लिए तो वो कैसे हो पाया आपको पता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से काफ़ी अच्छे होते हैं पढ़ाई में जो कि मतलब हमेशा जो फर्स्ट आते रहते हैं पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था टेंथ क्लास तक मेरी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी सिक्सटी परसेंट भी मैंने आज तक कभी क्रॉस नहीं करी थी तो अब ऐसा क्या हुआ देखो जो मेरी टेंथ क्लास का रिज़ल्ट था वो फिफ्टी एट परसेंट था इलेवेंथ क्लास में वो एट्टी टू परसेंट हुआ और ट्वेल्थ में वो नाइन्टी सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट हुआ अब ये कैसे हुआ आखिर मैंने इन दो सालों में क्या किया टेंथ के बाद जो ये रिज़ल्ट फिफ्टी एट से नाइन्टी सिक्स पॉइंट फाइव यानी कि लगभग नाइन्टी सेवन परसेंट तक कैसे पहुँचा तो यही देखेंगे आज हम वीडियो में एंड तक अगर आप एक बार ही देखना चाहें मेरा जो रिज़ल्ट है ये मैं आपको बार बार इसीलिए दिखाता हूं क्योंकि आप भी मोटिवेट रहे इसको देख के अगर हमारे सामने बार बार वो चीज़ दिखे जो हमें अचीव करनी है तो उससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है तो इसीलिए मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखाता हूँ देखिए हिस्ट्री में मेरे हंड्रेड थे और हिंदी में नाइन्टी फाइव थे पोलिटिकल साइंस में नाइन्टी फोर मार्क्स थे जोग्राफ़ी में नाइन्टी एट थे और फिजिकल एजुकेशन में नाइन्टी वन और इंग्लिश में पहले एग्जाम में मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं अपनी तैयारी सही ढंग से नहीं कर पाया था इसलिए मेरे 82 मार्क्स थे तो ये मेरी मार्कशीट है जो मैंने अभी आपको आपके सामने दिखाई आगे बढ़ते हैं ये जो आपके सामने इमेज है ये टेंथ क्लास में जो एक ऐसा स्टूडेंट जिसके फिफ्टी थे जिसको आज तक स्टेज पे कोई भी किसी प्रकार की ट्रॉफी कुछ भी ना मिला हो ये मेरी लाइफ में पहली बार ही मुझे मिल रही थी जो कि मुझे इलेवंथ क्लास में मिला था ये अवार्ड स्टूडेंट ऑफ द ईयर और फर्स्ट आने के लिए तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मुझे अवार्ड मिला ठीक है और मैं इलेवंथ क्लास से ही एक लवे स्टडी पॉइंट को देखने लगा था मतलब इलेवेंथ क्लास में जब मैं आया था मैं तभी से मैं ये वीडियोस देखता था था क्योंकि आर्ट्स का जो एक चैनल है उस टाइम पे यही चलता ज्यादातर तो मैंने जब सर्च मारता था टॉपिक के नाम से तो यही चैनल सामने आता था तो इलेवंथ क्लास से मैं जुड़ा और मैंने जब अपनी तैयारी स्टार्ट करी तो मेरे जो थे मतलब आपको मैंने परसेंटेज बताई अभी अभी आपके सामने की एटी लगभग इलेवंथ में आई तो ये मेरे लिए काफी अच्छा स्कोर था फिर जब मैं आगे बढ़ा तो जब मेरी एलेवेंथ क्लास क्लियर हो गई तो ट्वेल्थ क्लास में जब मैं आया था तो सर ने एक मीटअप रखा था सभी स्टूडेंट्स का और वहां पर मैं जो हमारे चैनल के सर हैं सतेंद्र सर वहां पे मैं फ़र्स्ट टाइम सर से मिला और सर ने काफ़ी डिस्कस करी बताया कि किस तरीके से वो भी मेहनत करके हमें पढ़ाते हैं और मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट था जैसा आज आप हमारी वीडियो को जब आप देखते हो उसी तरीके से मैं भी आप ही की तरह वीडियोज़ को देखता था तो इस तरीके से मैं फर्स्ट टाइम जो है सर से मिला और सर से बातें हुई काफ़ी और भी बच्चे आए हुए थे वहाँ पे काफ़ी बातें हुई सर से और जब मैं सर से मिला तो उनके कुछ टाइम बाद जब मेरा एग्ज़ाम हुआ एग्ज़ाम टाइम से भी मैं सर से जुड़ा रहता था अभी मैं आप आगे, आगे जो कुछ मिनटों बाद आपको मैं अपनी वो भी स्टोरी सुनाऊंगा कि एग्ज़ाम टाइम पे मैं क्या होता था तो जब मैं एग्ज़ाम वगैरह मेरे हो गए थे जब मैं ट्वेल्थ पास कर गया था उसके बाद जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उसके बाद सर ने मुझे अपने चैनल पर यानी कि एक लव स्टडी पॉइंट पर पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी थी और जब मैं वहाँ से पढ़ाने लगा तो मैंने अपनी पहली कमाई से ये लैपटॉप ख़रीदा जो कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने फ़ोटो है ये ट्वेल्थ पास करने के बाद मैंने अपनी कमाई से पहली बार ये लैपटॉप ख़रीदा अब आगे देखते हैं जब मैंने ट्वेल्थ क्लास में हिस्ट्री में हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड लिए और जो मेरी परसेंटेज आई उसके लिए मुझे ट्रॉफ़ी मिली स्कूल से एक टेन थाउजेंड रुपीज का चेक मिला जो कि मेरे हिस्ट्री के टीचर ने खुश होकर अपना पर्सनल चेक दिया जो कि था टेन थाउजेंड का और सर्टिफिकेट मिला मेरिट सर्टिफिकेट और ये जो हंड्रेड मार्क्स थे मैंने कभी मतलब ये तो मैंने सोचा था कि एग्जाम मेरा अच्छा गया है और मार्क्स अच्छे आएंगे पर ये एकदम शॉकिंग था कि एकदम से हंड्रेड मार्क्स जो स्टूडेंट 58% परसेंट की आदत हो जिसको देखने की 58% एट परसेंट सिक्सटी परसेंट तो एकदम से और मतलब इतना अच्छा रिजल्ट आना और पूरी मेहनत का इतना अच्छा फल मिलना तो वो खुशी जो होती है वो आपको तभी फील होगी जब आपके आएंगे तो ये इस तरीके से जब ये रिजल्ट आया और ये सब चीजें जब मेरे हाथ में थी तो एक मतलब काफी इमोशनल मोमेंट था और ये जो आप ट्रॉफी देख रहे हो ये मिली फिर बेस्ट अकेडमिक्स परफॉर्मेंस के लिए जो मैंने ट्वेल्थ क्लास में अपनी दी और स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक बार ही और मिला मुझे वहाँ पे और ये जो दो साल थे मेरे इसमें मेरी परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ और यही वो दिन था जिसमें मुझे चेक भी मिला था ट्रॉफ़ी भी मिली थी सर्टिफिकेट भी मिला था उसके बाद एक सर्टिफिकेट और मिला मुझे जो कि हिस्ट्री में हंड्रेड मार्क्स लेने के लिए था और ये केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता है जिनके किसी सब्जेक्ट में हंड्रेड मार्क्स आए हों तो सी द्वारा ये सर्टिफिकेट आता है जो कि उसी स्टूडेंट को मिलता है जिसके किसी सब्जेक्ट में पूरे हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड मार्क्स हों ठीक है तो ये सर्टिफिकेट मिला और ये सब चीजें आपको मैं बताता जा रहा हूँ जो मेरे लाइफ के कुछ मेन इवेंट्स थे अब आपको आगे ये भी बताऊंगा कि तैयारी किस तरीके से हुई थी सारी फिर त्यागराज स्टेडियम में हमारे दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी ने सभी स्टूडेंट्स को जो मेरिटिशियस स्टूडेंट थे जो अच्छी परसेंटेज वाले थे उनको सम्मानित किया था सर्टिफिकेट्स देके तो वहां पर भी मैं गया था जिसमें आप ये मेरे राइट साइड में देख पाएंगे ये मेरी मम्मी जी हैं और उनके आगे फिर मेरे पापा जी हैं आपको बताऊं कि मेरा जो एक आर्थिक जीवन था काफ़ी कठिनाइयों से बीता और लगभग इलेवन टवेल्थ तक जो है मेरे पापा जी की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती थी और आप उनकी एज भी देख पाए तो काफ़ी ज़्यादा थी तो जो स्ट्रगल था वो काफ़ी ज़्यादा था मैं अपने गली के ही कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करता था और उसी तरीके से कुछ ना कुछ मतलब जीवन चल रहा था तो काफी मतलब एक कह सकते हैं स्ट्रगल है आगे और बताता हूं आपको अब एक ड्रीम हर स्टूडेंट का होता है कि अगर ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स आ जाए तो डी यू जाना है और डी में एक कॉलेज में जाना है तो ऐसा ही ड्रीम कुछ मेरा भी था पर कुछ अर्निंग नहीं थी ना कुछ ऐसा सोर्स था कि जिससे मैं कॉलेज को अफोर्ड कर सकूं पर ड्रीम था कि हिंदू कॉलेज में जाना है और आपको पता होगा कि मैं आज सेकंड ईयर हिंदू कॉलेज में हूं भी तो ये सब कैसे हुआ यही सारी कहानी आगे चल रही है तो ये फर्स्ट टाइम था जब मैं हिंदू कॉलेज में मैंने एंट्री करी और वहाँ पे मैंने फोटो लिया हिंदू कॉलेज का जो बिल्कुल जो फ्रंट है एंट्री है वहाँ पे मैंने ये इमेज क्लिक करी और ये मेरे कुछ क्लासमेट्स ही हैं हिंदू के और वहाँ पर मैंने ये फर्स्ट टाइम फोटो ली तो अंदर से ये फीलिंग थी कि मतलब जो कभी सोचा नहीं था वो हिंदू कॉलेज भी आज मेरे सामने था फिर आगे क्या हुआ अब आपको मैं एक ढंग से लिखित में बताता हूँ कि इलेवन से ही मैं वीडियोज देखता था ज़्यादातर लोग जो होते हैं बच्चे होते हैं नवंबर दिसंबर तक आते आते आलस का शिकार हो जाते हैं हो सकता है आप भी ऐसा ही आपके साथ हुआ हो जो ये नवंबर दिसंबर का महीना होता है काफ़ी ज़्यादा आलस का शिकार हो जाते हैं बच्चे इसमें और जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं उनको सीधा एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है लेकिन मैंने क्या करा था एनसीईआरटी मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट था शुरू में जब मैंने एनसीईआरटी डायरेक्ट उठाई तो मुझे डायरेक्ट वो समझ में नहीं आई थी तो मैंने क्या चैप्टर्स की जब नोट्स के रूप में हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमें काफी आसान लगते हैं जबकि सीधा हम एनसीआरटी देखते हैं तो वो काफी हार्ड हो जाती है तो मैंने तीन से चार बार अच्छे से यूट्यूब का इस्तेमाल किया एक लेवल स्टडी पॉइंट पर जो हिस्ट्री की वीडियोज थी काफी अच्छे तरीके से देखी मैंने फिर उसके बाद क्या हुआ मैंने एनसीईआरटी में अंडरलाइन करना शुरू किया जो मैंने वीडियोस में चीज़ें समझी उनको फिर मैंने एनसीईआरटी में अंडरलाइन करना स्टार्ट किया और जो हमारे स्कूल में सिलेबस जो चलता था वो धीरे धीरे वो भी पूरा हुआ स्कूल्स के टीचर ने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाया था और उसके साथ साथ जब वो सिलेबस कंप्लीट हुआ स्कूल में तो जो हमारे टीचर थे हिस्ट्री के उन्होंने जो हमारे सहायक सामग्री मिलती है सपोर्टिंग मटीरियल उसको काफ़ी अच्छी तरीके से रिवाइज़ करवाया तो आप देख रहे हो कि एन को भी मैंने करा पहले चैनल से बार हमारे टीचर ने सॉल्व करवाया और जो एनसीईआरटी के अंदर जो जो पैराग्राफ्स होते हैं उसमें से फिर मैंने आंसर ढूंढे जो कि सपोर्टिंग मटेरियल के क्वेश्चन होते हैं उनके जो सपोर्टिंग मटेरियल के पीछे क्वेश्चन होते हैं उनके एनसीईआरटी में मैंने आंसर ढूंढे तो इस तरीके से जो मेरी एक तैयारी चल रही थी वो काफी प्रो लेवल की जा रही थी मतलब काफी ज्यादा अच्छी तैयारी हो चुकी थी मैं पूरा एकदम मोटिवेटेड था मेरा लक्ष्य ये था कि मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है और वो यूपीएससी का गोल ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में ये था कि ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स लाऊंगा तभी अच्छा कॉलेज मिलेगा अन्यथा मुझे इधर उधर कहीं भटकना पड़ेगा तो एक गोल अपने दिमाग में रखिए कि अगर गोल होगा तो आप उसके लिए ही मेहनत करोगे और मैंने कोई किसी प्रकार का ट्यूशन नहीं लिया ट्यूशन जो होते हैं ट्यूशन कोचिंग जिसको आज के टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है तो मैंने किसी प्रकार का ट्यूशन नहीं लिया ना किसी प्रकार का सैम्पल पेपर परचेज करा और ना कोई गाइड ली मैंने बहुत सारी गाइड्स अवेलेबल है मार्केट में किसी का सहारा नहीं लिया जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है सिर्फ यही किया और उसमें क्या था एन थी वीडियोस थी एक लव्य स्टडी पॉइंट से जो सतेंद्र सर ने पढ़ाया था एपिसोड्स थे एपिसोड वीडियो वो वीडियोस होती हैं जो एग्ज़ाम टाइम पे आती हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं तो मैंने वो वीडियोस देखी और फिर ई e बुक जो आती है जो सतेंद्र सर ने बनाई थी ई e बुक वो मैंने परचेज़ करी अब ई e बुक में क्या होता है कि मैंने आपको अपना स्ट्रगल बताया काफ़ी रियल था जो कि मतलब मैंने ट्यूशंस पढ़ाओ के भी जो मैंने अपने पढ़ा, जो पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करे थे मैंने उनसे ई बुक खरीदी ई बुक में अगर मेरा पैसा लगा अगर तीस चालीस रुपए तो वो मेरा वेस्ट नहीं गया उससे आज मुझे हंड्रेड मार्क्स मिले हैं तो जो ई बुक के लिए भी मैंने देखा है अभी लास्ट टाइम जब हमने ई बुक बनाई थी तो बहुत बच्चे ये कहते थे कि आपने तो बहुत महंगी बनाई है अगर चालीस रुपए में भी अगर आपको महंगी लगती है तो आप ये समझिए कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में क्योंकि अगर चालीस रुपए अगर कोई सामने वाला मेहनत करता है तो उसको उसकी मेहनताना भी दिया जाना चाहिए ऐसा नहीं होता आप अगर किसी मजदूर से मजदूरी करवाएं और उसको उसकी मजदूरी ना मिले तो उसको कैसा लगेगा कि जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता है तो एक चालीस रुपए में तो रजिस्टर भी नहीं आता आज के टाइम पे बाइंडिंग वाला वो भी पचास का है तो इस तरीके से मैंने अपने टाइम पे जो ये ई बुक खरीदी तो उसका जो मुझे बेनिफिट हुआ जब एनसीआर पूरी पढ़ रखी थी वीडियोस तीन से चार बार देख रखी थी एपिसोड वीडियोस मेरी कवर जो मतलब पूरे कवर हो चुके थे और जो स्कूल में सहायक सामग्री पढ़ाई जाती थी वो भी मेरी पूरी अच्छे से कवर थी तो उसके बाद लास्ट में ई बुक आई उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी मैंने पूरे कवर कर लिए तो इससे मेरी तैयारी बहुत ज्यादा मैं अंदर से कॉन्फिडेंट था कि अब मुझे बस इंतजार था कि मेरे सामने क्वेश्चन पेपर आ जाए बस बोर्ड एग्जाम का तो ये अगर आपका डर टूट गया है और अगर आप भी चाहते हो ऐसे ही आपके सामने क्योंकि ज्यादातर बच्चे एग्जाम से डरते हैं और वो मतलब ये चाहते हैं कि एग्जाम ना हो इतनी जल्दी हमेशा हर कोई डरता है ज्यादातर पर जब मेरी ऐसी तैयारी थी तो मैं सिर्फ इस इंतजार में था कि मेरे सामने क्वेश्चन पेपर आए और मैं उसको क्लियर करके अच्छे मार्क्स लू फिर आगे क्या हुआ कि जब मैं पढ़ाई करता था तो हमेशा मैं पढ़ाई के लिए शांत समय ढूंढता था वो शांत समय कब मिलता है दस ग्यारह बारह बजे इस टाइम पे तो मैं उस टाइम का अच्छा यूज़ करता था जब सभी जगह चारों ओर शांति होती है तो उस समय मैं पढ़ लिया करता था क्योंकि शांति में काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो सकती है फिर आगे क्या हुआ जब मेरा हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ तो हिस्ट्री का एग्ज़ाम मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ क्वेश्चन पेपर देखा और जब क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा तो मुझे सारी की सारी वो सहायक सामग्री याद आ गई और जो ई बुक ली थी वो याद आ गई और एपिसोड के क्वेश्चन जो थे वो याद आ गए क्योंकि बिल्कुल जो वहां पर था वो एकदम डिटो एग्जाम में था ठीक है बिल्कुल जो मैंने पढ़ चुका था मैं पहले ही वो सब मेरे सामने था क्वेश्चन पेपर पे और इसको देखते हुए मेरी तैयारी काफी अच्छी थी और मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था और मैंने हर पेपर को आधा घंटा पहले खत्म कर दिया तीन घंटे के पेपर को मैंने ढाई घंटे में खत्म करा और पूरी स्पीड से पेपर लिखा अच्छे से डेकोरेट करके और इस तरीके से मेरा एग्जाम काफी अच्छा हुआ और आपको बताऊं मैं जितने भी सीबीएसई बोर्ड के मैंने एग्जाम दिए थे ट्वेल्थ के हर एग्जाम से पहले मैं सतेंद्र सर को कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर करता था और मेरे जैसे और भी बच्चे थे जो उन्हें कॉल्स करते थे क्योंकि उस टाइम पे हमारा नेटवर्क काफी कम था एक लवे स्टडी पॉइंट पे इतने ज्यादा स्टूडेंट उस टाइम पे नहीं थे लगभग एक लाख से कम थे और उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक कॉल के द्वारा पहुंच होती थी पर आज के टाइम पे पांच लाख तीस हजार लगभग बच्चे हैं और सबको कॉल कर पाना मुश्किल है तो इसलिए अब सर ने लाइव क्लासेस करना स्टार्ट किया है जैसा कि आप जुड़ते भी होंगे लाइव क्लासों में और इंस्टाग्राम पे भी आप अपने डाउट्स ऐसे ही पूछ सकते हैं जैसा कि मैं आपको हर वीडियो से पहले कहता हूं तो वो यही डाउट्स होते हैं जो मैं क्लियर किया करता था अपने एग्जाम से पहले फिर क्या होता है कि जब सारी तैयारी अच्छी थी आखिर ये सब जो मुझे सो मार्क्स मिले और ये सब जितना भी कुछ हुआ ट्रॉफीज़ और ये सब सर्टिफिकेट्स और दस हज़ार का चेक और जितनी भी चीज़ें मिली मुझे आखिर इसके पीछे क्या सिर्फ ये हार्ड वर्क ही था इस हार्ड वर्क के जो ये जो मैंने किए इसके पीछे एक और इंसान था वो मतलब मेरी मम्मी थी अब उनका योगदान जो है वो काफ़ी बड़ा है आपको बता दूँ कि जो मतलब मेरे मार्क्स आए या मैं जो कॉलेज में गया या आज मैं आपके सामने आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये सब कुछ मम्मी की वजह से ही हो पाया है उन्होंने जो योगदान दिया वो मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता क्योंकि सारी चीज़ें मैंने आपको लिख के बता दी पर ये जो योगदान था ये काफ़ी एक बड़ा योगदान है जिसको लिखा नहीं जा सकता और लगभग मैं आपको बता दूँ ट्वेल्थ क्लास में जब पापा की तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने मतलब मेरे बोर्ड सेंटर तक जाने के लिए जो मुझे किराया चाहिए था उसके लिए उन्होंने मजदूरी भी करी और भी काफ़ी चीज़ें थी जो ऐसी उन्होंने मेरे लिए करी जो कि मैं यहाँ बता नहीं सकता और बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और आपको बता दूं एक किस्सा छोटा सा कि जैसे मेरा एग्ज़ाम था बोर्ड का तो उस टाइम मैं अपनी घड़ी घर पे भूल गया था अब वो घड़ी के बिना मेरा एग्ज़ाम कोई अच्छा हो नहीं पाता था क्योंकि टाइम के हिसाब से मैं अपना चलता था लेकिन जब वो घड़ी मैं घर भूल गया तो जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुंचा तब याद आया घड़ी मेरी घर पर रह गई और एग्ज़ाम शुरू होने में सिर्फ बीस मिनट कम थे अब मैं वापस घर भी नहीं जा सकता था तो तभी मेरे फ्रेंड ने बताया कि बाहर गेट पे मतलब कि तेरी मम्मी खड़ी है भाई तो मैं जब बाहर गया तो मम्मी सच में थी और वो मेरी घड़ी हाथ में लेके खड़ी थी तो वहां पे आप देख सकते हो कि क्या योगदान रहा है अगर एक मेरा पेपर वो अगर उसमें मेरी लैब बिगड़ जाती है अगर पेपर अच्छा ना होता उसका इफेक्ट फिर अगले पेपर पे पड़ता फिर उसका अगले पे पड़ता इसके हिसाब से मेरे नाइन्टी परसेंट भी नहीं बन पाती तो एक ये योगदान जो था इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता और इसी की वजह से आज सब कुछ है अगर नंबर अच्छे नहीं आते तो कॉलेज भी नहीं मिलता नंबर अच्छे नहीं होते तो मैं आज आपको पढ़ाता भी ना और मैं फिर कहीं ना कहीं और होता ठीक है तो ये सारा योगदान मेरी मम्मी का था पर मतलब शायद किस्मत खराब रही कि उनका साथ जो है हमारे साथ ज़्यादा नहीं था और अभी दो महीने पहले ही उनका देहांत हुआ है तो वो हमेशा याद रहेंगे हमें और ये मेरी इमेज है उनके साथ में जो कि बचपन से ही काफ़ी उनसे प्यार मिला मुझे तो इस तरीके से ये कुछ एक स्ट्रगल था मेरा जो पूरी लाइफ का जिसके बाद में आज आपको पढ़ा पा रहा हूँ ठीक है वरना आज मैं भी आपको नहीं पढ़ा पाता शायद कोई और टीचर होता जो आपको पढ़ा रहा होता पर ये जो सब हुआ ये मम्मी का योगदान था फिर जब अच्छे मार्क्स आए और सब कुछ हुआ तो फिर मेरा एक इंटरव्यू बना ठीक है इंटरव्यू जब आपने देखा होगा इस सेशन में तो इंटरव्यू नहीं बन पाए क्योंकि कोरोना का टाइम था पर एक दो इंटरव्यू फिर भी बना दिए थे सर ने जो उनके आसपास के स्टूडेंट्स थे तो ऐसा ही मेरा भी इंटरव्यू हुआ था आपने देखा भी होगा और उस इंटरव्यू के बाद सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि क्या आप हमारे साथ पढ़ाना चाहोगे हिंदी जोग्रफी फ़िजिकल एजुकेशन तो मैंने कहा यस सर मैं पढ़ा लूंगा तो सर ने जो अपॉर्चुनिटी दी उसके बाद मैं आपको यहाँ पे पढ़ा पा रहा हूँ और मैं इस चीज़ के लिए हमेशा उनका आभारी रहूंगा जो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली वहां से और उसके बाद ही मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ ठीक है तो ये सारा एक सफ़र था मैंने आपको हर चीज़ अच्छे से बताई अपने बारे में हिस्ट्री में कैसे नंबर लिए क्या मेरा स्ट्रगल था लाइफ का और मतलब किस तरीके से सर ने पूरी सपोर्टिव का जो पूरा मैंने टाइम गुजारा है इस स्टूडेंट लाइफ का ट्वेल्थ क्लास के अंदर वो मैंने आपके सामने शेयर कर दिया कैसे मेरे को आज अपना ड्रीम कॉलेज मिला है हिंदू कॉलेज में बीए प्रोग्राम का मैं छात्र हूँ सेकेंड ईयर में जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और कैसे कैसे मुझे जो ये सर्टिफिकेट्स ट्रॉफी और ये सब मिला और आपको यही बताना था इस वीडियो में तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही हिस्ट्री की मैंने आप आज आपको टिप्स बताई हैं तो मैंने हिंदी में कैसे किया जोग्राफी में कैसे किया अगर आपको ये सब भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मैं वहाँ पर आपके लिए वो वीडियोस भी जल्दी ही और बहुत जल्दी आपके लिए बनाऊंगा आप कमेंट बॉक्स में बस एक बार ये आप मुझे बता दीजिए तो वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना जय हिंद जय भारत वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद